उनसे बात करते हैं। आज़म सवाती साहब, सातवां रोज था आज आप लोग वज़ीराबाद में, इमरान खान ने खिताब करना था, उससे पहले ये फायरिंग का वाकया पेश आया, इमरान खान जख्मी हुए, कई लोग जख्मी हुए, क्या कहेंगे? जी मैं जितना भी अफसोस इस पे करूँ बहुत कम है। मैंने पहले कहा था गुस्सा भी है, नफरत भी है, और अफसोस ये है कि इमरान खान गोली उसको लगने की बजाय अगर आज़म सवाती को लगती, इसलिए कि मैं तो जैसे कह रहा हूँ, कई दिनों से कह रहा हूँ कि गलाश की सूरत में जो है मैं फिर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मैं डर गया, क्योंकि मैं अपने कपड़े चेंज किए, कपड़े डाल के वहाँ पे मैंने नमाज पढ़ी और मैं उनको वजीराबाद में आके जो है मिलने वाला था। मैं तकरीबन कोई 4 या 5 मील अभी दूर था कि ये खबर जो है, बुरी खबर जो है मिली। उस वक्त से जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं उनको पूछने की कोशिश की, उनको लाहौर की तरफ जो है ले गए। अब इस वक्त काला शाह काकू में पिछले तकरीबन 45 मिनट से जो है बिल्कुल आ गए, रोड प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं और मैं इधर जो है गाड़ी में खड़ा हूँ। इमरान खान दरअसल पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान को खत्म करना है तो फिर वाकई जो है आप इमरान खान को जो है गोली मार दे, लेकिन उससे गोली मारने से पहले हमें कम अज कम खत्म कर दें। इंशाल्लाह ताला मेरा परवरदिगार पाकिस्तान की हिफाजत भी करेगा, इमरान खान की भी हिफाजत करेगा, और ये जालम, ये भेड़िए जो इस वक्त जो है हुकूमत के अंदर हैं या जिन्होंने बिठाया है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है सवाए इसके जिन्होंने इस मुल्क को जो है जिस तबाही के की तरफ जो है चला दिया है। खुदा ताला इनकी औलादों को गारत करे, अल्लाह ताला इनसे इंतकाम दे, और मेरे लीडर को जो है इमरान खान, जिससे यकीन करें मैंने उस दिन कहा था ए अल्लाह मेरी जिंदगी बेकार है, मेरे जो बाकी दिन रहते हैं, जो घंटे रहते हैं, ये इमरान खान को दे दे परवरदिगार। कोई ऐसी सुबह नहीं है जब मैं अल्लाह को सजदा न करता हूँ और रो रो के दुआ न करता हूँ कि परवरदिगार उसकी जान की हिफाजत कर, परवरदिगार इससे कि उससे मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल, नौजवानों को, मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल जो बनता है, और इंशाल्लाह ताला खुदा ताला जो है इमरान खान की हिफाजत करेगा और पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। सही, और जो लोग उसको खत्म करना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको तबाह करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज़म सवाती साहब मौजूद थे, उन्होंने मजम्मत किए शदीद अल्फाज में, और उनका कहना था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है शहर शहर